दोस्तों, क्या भगवान वास्तविक रूप में होते हैं या ये सब हमारे पूर्वजों का एक बहम है? क्या ऐसी कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, या विज्ञान के अनुसार ये सब सिर्फ हमारी मानसिक सोच है? तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो इन्हीं रहस्यों के ऊपर आधारित है। आज की अपनी इस वीडियो में हम कुछ साक्ष्यों के साथ ऐसे सबूत भी पेश करेंगे जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता, और इन सबूतों से साबित हो जाएगा कि भगवान आज भी इस धरती पर विराजमान है। आज हम अपनी इस वीडियो में एक नहीं बल्कि एक एक करके 20 ऐसे सबूत उदाहरण के साथ आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको भी यकीन हो जाएगा कि भगवान वास्तविक रूप से हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं भगवान होने के जिंदा साक्ष्य। आप देख रहे हैं रोज का ज्ञान यूट्यूब चैनल। नंबर एक, रावण का महल। दोस्तों, भगवान के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य रावण का महल है, जो कि श्रीलंका में मौजूद है, जिसे हनुमान जी ने पूरी तरह से आग से जला दिया था, जिस कारण यह पूरा महल काला पड़ गया था। आज भी रावण के महल से जुड़े हुए कई अवशेष आपको श्रीलंका में देखने को मिल जाते हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि अगर रावण का महल था तो भगवान श्री राम जी वास्तव में मानव रूप में धरती पर आए थे। नंबर दो, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के होने के सबूत। दोस्तों, भगवान प्रभु श्री राम के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण है, जिसमें भगवान प्रभु श्री राम जी के जीवन की संपूर्ण जानकारी है। यह भगवान प्रभु श्री राम जी के होने का दूसरा सबूत है। इसके अलावा रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम जी के वास्तविक रूप में धरती पर होने के सबूतों को आप पढ़ सकते हैं। नंबर तीन, पानी में तैरता हुआ पत्थर। भगवान राम जी के होने का तीसरा सबसे बड़ा साक्ष्य है पानी में तैरता हुआ पत्थर, जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में इसन नदी में तैरता हुआ मिला। इस पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखा हुआ है और यह पत्थर आज भी पानी में तैरता है, जो करीब 5 किलो 700 ग्राम वजनी है। नंबर चार, राम सेतु। दोस्तों, आज भी राम सेतु के अवशेषों को दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका के बीच समुद्र में बने पत्थरों की श्रृंखला के रूप में देख सकते हैं, जिसे प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में वानर सेना की मदद से तैयार करवाया था, जिसके ऊपर से चलकर प्रभु श्री राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश करते हैं। भगवान के होने का यह चौथा बड़ा साक्ष्य, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं, आज इस राम सेतु को कुछ लोग प्यार की निशानी मानते हैं, क्योंकि 30 किलोमीटर समुद्र तल के ऊपर बना यह पुल भगवान श्री राम जी ने सीता माता को वापस लाने के लिए बनवाया था। नंबर पांच, अशोक वाटिका। दोस्तों, भगवान राम के होने का पांचवा सबसे बड़ा साक्ष्य अशोक वाटिका है, जहां पर रावण ने सीता माता को अपहरण करने के बाद रखा था। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, तब उनको इस एलिया पर्वत नामक स्थान पर एक गुफा में रखा गया। यही वह जगह है जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं, जहां पर रावण का पुष्पक विमान उतरा था, जहां सीता माता को रखा गया था। इस जगह का नाम गुरुलपोटा है, जिसे आज लोग सीता कोटुआ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एलिया पर्वत के ऊपर सीता माता जी का एक मंदिर भी बना हुआ है, जो कि इस बात की गवाही देता है कि यहां पर सीता माता को रखा गया था। लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। नंबर छह, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए ब्रह्मास्त्र का वर्णन रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में देखने को मिलता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र को सृष्टि संरक्षण के लिए बनाया था, जिसका धमाका आज के न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। नंबर सात, भगवान श्री कृष्ण जी के होने के सबूत। भगवान श्री कृष्ण के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य महाभारत महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। महाकाव्य ग्रंथ में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत काल की सारी रचनाओं का वर्णन किया है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों की मदद की थी। इसमें भी कई साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नंबर आठ, जगन्नाथ पुरी का मंदिर। भगवान जगन्नाथ के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य है जगन्नाथ पुरी का मंदिर। इस मंदिर के ऊपर ना तो कोई पक्षी बैठता है और ना ही उड़ता है, जिसके चलते सरकार ने भी इस मंदिर को नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में रख दिया है। इसके अलावा इस मंदिर का ध्वज हवा में उल्टी दिशा की ओर लहराता है,
यह चमत्कार भगवान जगन्नाथ जी के होने का साक्षात वर्णन करता है। नंबर 9 द्वारका नगरी। महाभारत काल में द्वारका नगरी का वर्णन किया गया है। इस नगरी के राजा भगवान श्री कृष्ण जी थे, जिन्होंने इस धरती से जाने से पहले द्वारका नगरी को समुद्र में डुबो दिया था। आज इसके साक्ष्य गुजरात के समुद्र तल के किनारे में मिलते हैं। पुरातत्व विभाग को समुद्र के नीचे एक सुंदर पुराना शहर मिला है। पुरातत्व सर्वेक्षण की छानबीन करने के बाद सबूतों के आधार पर पाया गया है कि यह द्वारका नगरी है। नंबर 10। भगवान हनुमान जी के होने का सबूत, हनुमान जी की अमरता के कई साक्ष्य रामायण महाकाव्य में हमें देखने को मिल जाते हैं। जब हनुमान जी ने अपने हृदय को चीरकर प्रभु श्री राम और माता सीता जी के चित्र का दर्शन सबको करवाया था, तब माता सीता जी ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। तब से लोगों का मानना है कि आज भी इस धरती पर भगवान हनुमान जी रहते हैं। कई महापुरुषों ने इनके दर्शन भी किए हैं, जिनमें स्वामी रामानंद जी और स्वामी तुलसीदास जी शामिल हैं। लोगों की ऐसी धारणा भी है कि जब अगर कोई सच्चे दिल से हनुमान जी की प्रार्थना करें और उन्हें पुकारे, तो हनुमान जी उसे संकट से उबारते हैं और उन्हें दर्शन भी देते हैं। नंबर 11। लिपाक्षी पद चिन्ह। भगवान हनुमान जी के होने का 11वां सबसे बड़ा साक्ष्य लिपाक्षी का मंदिर है, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब जटायु दर्दनाक अवस्था में तड़प रहे थे, तब प्रभु श्री राम जी के साथ हनुमान जी इस जगह पर आए और जटायु से मिले थे, तभी यहां पर हनुमान जी के पद चिन्हों के निशान पड़े। नंबर 12। लंका में पद चिन्ह। दुनिया में अलग अलग जगहों पर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिले हैं, जिसे भगवान हनुमान जी के इस धरती पर होने के सबूत के रूप में देखा जाता है। ऐसे ही एक पैर का निशान श्रीलंका में भी है, जब भगवान हनुमान जी सीता माता की खोज करने के लिए दक्षिण भारत के समुद्र को लांघ कर लंका में पहुंच गए थे, जहां पर पहुंचकर हनुमान जी ने अपना पहला कदम रखा था, वहां पर इनके पद चिन्ह देखने को मिल जाते हैं, जिसके अवशेष आज भी वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नंबर 13। हनुमान गढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि जब सीता माता जी का अपहरण हुआ था, तब प्रभु श्री राम सीता माता को ढूंढते हुए इसी जगह पर पहुंचे थे, जहां पर प्रभु श्री राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। इसके बाद हनुमान जी इसी जगह पर बैठकर प्रभु श्री राम जी का ध्यान करते थे और इनका इंतजार किया करते थे। तब से इस जगह का नाम हनुमान गढ़ी पड़ गया। नंबर 14। मलेशिया में हनुमान जी के पद चिन्ह। मलेशिया में एक पेनांग मंदिर स्थित है, जिसके अंदर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान हैं, जिन्हें आप वीडियो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि हनुमान जी इस जगह पर गए थे। नंबर 15। मेहंदीपुर बालाजी। हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान में स्थित है, जिसे मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी बालाजी की मूर्ति के रूप में विराजमान है। यह मंदिर हनुमान जी के सभी चमत्कारिक मंदिरों में से एक माना जाता है। ऐसी धारणा है कि जो भी बीमार व्यक्ति इस मंदिर में आता है, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जाता है। नंबर 15। भगवान शिव जी के होने के साक्ष्य। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव के साक्ष्य होने का सबसे बड़ा सबूत शिव महापुराण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वर्णित भगवान शिव से संबंधित हर एक स्थान का नाम पृथ्वी पर मौजूद है, जहां पर भगवान शिव जी के होने के बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जिनका वर्णन शिव महापुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। नंबर 16। केदारनाथ मंदिर। दोस्तों, आपको केदारनाथ त्रासदी का वह दिन याद होगा, जब उत्तराखंड में बादल फटा था। उस दिन 16 जून 2013 की तारीख थी। इस दिन केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी हुई कि मंदाकिनी नदी उफान पर चल रही थी, जो रास्ते में आने वाले सभी गांव से लेकर पहाड़ों को बहाकर अपने साथ ले जा रही थी। इसी बीच मंदाकिनी नदी केदारनाथ मंदिर को भी अपने साथ बहाकर ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। केदारनाथ मंदिर के समक्ष एक शिला प्रकट हुई, जिसने पानी को दो हिस्सों में बांट दिया और केदारनाथ मंदिर सुरक्षित इस जल प्रलय में भी खड़ा रहा। यह चमत्कारिक घटना भगवान शिव के होने का साक्षात प्रमाण है। इसके अलावा अमरनाथ शिवलिंग भी भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह तीर्थ स्थल
जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहे जाने वाले श्रीनगर से 135 किलोमीटर दूर एक गुफा में स्थापित है। इस अमरनाथ शिवलिंग की खासियत यह है कि यहां पर शिवलिंग अपने आप ही बनता है और फिर सभी भक्तों को दर्शन देने के बाद खुद ही विसर्जित हो जाता है। वैज्ञानिक भी आज तक इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। नंबर 17, कैलाश पर्वत। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का धाम है, जहां पर भगवान शिव मां पार्वती के साथ विराजमान होते हैं। इस स्थान पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस स्थान पर जाता है वह दिशाहीन हो जाता है और वापस मुड़कर नहीं आता है। नंबर 18, काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर उज्जैन में स्थित काल भैरव का मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर में आज भी काल भैरव को मदिरा पान प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। काल भैरव मंदिर की सच्चाई जानने के लिए अंग्रेजों ने इस मंदिर के चारों ओर खुदाई करवाई, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वह भी काल भैरव के उपासक बन गए और उन्हें मानने लगे। नंबर 19, भगवान शनि देव जी के होने के सबूत। शनि देव, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि देव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस पर शनि देव जी की तिरछी दृष्टि पड़ जाए उसका जीवन कठिनाई से भर जाता है, लेकिन जिस पर शनि देव खुश हो जाए उसकी तकदीर बदल देते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक सिग्नापुर नामक गांव है, जहां पर शनि देव जी का मंदिर है। इस मंदिर में साक्षात शनि देव विराजमान है। इस मंदिर में शनि देव जी की एक शिलाखंड भी है, जिसे वहीं के गांव वालों ने स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आकर सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, सिग्नापुर एक ऐसा गांव है जिसके प्रत्येक घरों में एक भी दरवाजा देखने को नहीं मिलता। यहां के गांव वासियों का कहना है कि स्वयं शनिदेव महाराज जी उनके घरों की रक्षा करते हैं और यहां साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। अगर आप भी कभी महाराष्ट्र जाएं तो आप जरूर इस सिग्नापुर गांव में जाकर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि वहां पर घरों में दरवाजे हैं या नहीं। यह शनिदेव भगवान जी के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। नंबर 20, माता वैष्णो होने के सबूत। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित मां वैष्णो का मंदिर है। इस मंदिर में तीनों शक्तियां मां वैष्णो के साथ विराजमान हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पंडित श्रीधर को इसी स्थान पर मां वैष्णो जी ने दर्शन दिए थे। हिंदू तीर्थ स्थलों में से यह स्थल सबसे पवित्र माना जाता है, जहां पर लोग दर्शन करके मनचाहा फल पाते हैं। धरती पर आज भी माता सती के 51 शक्ति पीठ हैं। कहा जाता है कि जब माता सती के पिता ने भगवान शिव का अपमान किया था, तब माता सती ने खुद को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया था, जिसके बाद भगवान शिव मां सती के जले हुए शरीर को लेकर विलाप करते हुए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। इसी दौरान अदृश्य रूप में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जो कि शक्तिपीठ के रूप में पूरी पृथ्वी पर बिखर गए। इसके साक्ष्य आज भी धरती पर शक्तिपीठ मंदिरों में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपके भगवान के इन सबूतों के बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय सियाराम।